सुरभि हमेशा ही नवरात्रि के पूरे व्रत रखती थी। इस बार उसने नवरात्रि के व्रत रखे हुए थे, पर उसका आखिरी व्रत ट्रेन में पड़ा, क्योंकि वो अपनी सास और पति के साथ एक रिश्तेदारी की शादी से वापस घर लौट रही थी। ट्रेन में सुबह हुई तो सुरभि चिंता में थी। सुरभि, ट्रेन रास्ते में बस कुछ वक्त के लिए रुकेगी, पता नहीं वहाँ पर भी कुछ बांटने को मिलेगा या नहीं। इस पूरी ट्रेन में तो मुझे कहीं बच्चे भी नजर नहीं आ रहे, और ऐसे किसी को देना भी ठीक नहीं लगता। कोई मना कर दे तो तुम्हारा भी मन दुखेगा। मैं तो पहले ही कह रही थी बहू कि ये नवरात्रि के व्रत मत रखो, इस बार रहने दो, शादी में जाना है। अब देखो परेशानी हो रही है ना वापसी में, तुम्हारा कन्या पूजन करना भी जरूरी है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। माँ जी, मैं माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत बहुत सालों से रखती आ रही हूँ। मैं नवरात्रि व्रत रखती हूँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। यदि माँ दुर्गा की यही इच्छा है कि मैं ट्रेन में कन्या पूजन करूँ तो ऐसा ही सही। मुझे पता है माँ दुर्गा के आशीर्वाद से कन्या पूजन जरूर संपूर्ण होगा। सुरभि माँ दुर्गा का ध्यान करने लगती है, तभी उसकी सास बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद सुरभि की सास सीट पर आकर बैठती है तो वो देखती है कि उसका छोटा पर्स हाथ से कहीं गिर गया है। लगता है वॉश बेसिन पर हाथ धोते समय मेरा बटुआ वहीं गिर गया। मुझे नहीं लगता कि वो अब मिलेगा। मैं देख कर आता हूँ। आशीष बटुआ ढूंढता है, पर ट्रेन में कोई चीज खो जाए तो आसानी से मिलती कहाँ है। सुरभि की सास निराश हो गई, क्योंकि उस बटुए में उनकी सोने की बालियां और चेन थी। बैठे बिठाए नुकसान हो गया, गलती मेरी ही है, मुझे बटुए में सोने की चीजें रखनी ही नहीं चाहिए थी। माँ जी, मैं एक बार वॉशरूम के पास और ढूंढ कर आती हूँ। आशीष, आप माँ के पास ही रहना। सुरभि जैसे ही जाने लगती है तभी दो छोटी बच्चियाँ उसके पास आती हैं। आंटी, ये आपका बटुआ है, वहाँ बाथरूम के पास गिरा हुआ था, हम खिलौने बेच रहे थे तो हमने देख लिया। हाँ, ये तो मेरा ही है, पर बच्चों तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा है? आंटी, जब आप हाथ धो रही थी तब हमने देख लिया था कि आपके हाथ से बटुआ गिर गया है, हम आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। ये लो आंटी। कितनी प्यारी बच्चियाँ हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ बहू, आज दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा ने मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। ये सब तुम्हारे दुर्गा माँ के प्रति पूजा और विश्वास की वजह से ही हुआ है। एक काम करो, तुम्हें तो कन्या पूजन करना ही है, क्यों ना इन दोनों बच्चियों का कन्या पूजन करो, तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी। हाँ सुरभि, माँ ठीक कह रही है, तुम्हें तो कन्या पूजन करना ही है। ये बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं। देखो, इन्होंने हमारा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सुनो बच्चों, तुम्हारे साथ और भी बच्चे हैं क्या? मुझे कंजक बांटनी है। हाँ आंटी, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो यहाँ ट्रेन में खिलौने बेचते हैं, मैं अभी उन सबको बुलाकर लाती हूँ। कितने प्यारे बच्चे हैं और मेहनती भी। मैंने बच्चों को तो बुला लिया, पर मैं इन्हें प्रसाद में क्या दूँ? मेरे पास तो बांटने का कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ से एक केले बेचने वाली बूढ़ी औरत निकल रही थी। उसने सुरभि को केले खरीदने के लिए कहा। बेटी, केले खरीद लो, आज कन्या पूजन है, कन्याओं को इसका प्रसाद बांट दो। हे माता रानी, आपने मेरी सुन ली, इन केले वाली बूढ़ी अम्मा को भेज दे। हाँ, मैं ये केले खरीद लेती हूँ, सब बच्चों को बांट दूंगी। अम्मा जी, ये केले का पूरा टोकरा मुझे दे दो। कितने पैसे हुए? सुरभि को उन बूढ़ी अम्मा में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं, और अचानक वो बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरभि समझ चुकी थी कि माँ दुर्गा स्वयं आज उसकी मदद के लिए आई थी, और सुरभि को उनके साक्षात दर्शन हुए। सुरभि अपने पति और सास को सारी बात बताती है, वे दोनों भी बहुत खुश होते हैं। इतनी देर में सभी बच्चियां आ जाती हैं। सुरभि सब कन्याओं का पूजन करती है और उन्हें केले और पैसे देती है। सभी कन्याएं सुरभि को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी चली जाती है। सुरभि माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। सुरभि खुश थी कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आज उसका कन्या पूजन बिना किसी रुकावट के ट्रेन में संपन्न हो गया। कहते हैं बहनों के बीच में प्यार का अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब किसान के घर तीन बेटियां पैदा हुई थी। किसान ने तीनों का नाम ऋतु, राखी और रीना रखा था। लेकिन तीनों बेटियां जब 18 साल की हो गईं, तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए।
तीनों बेटियां अनाथ हो गई। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे, अब हमें कौन खाना खिलाएगा, हम क्या करें। तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। फिर दो दिनों के बाद रितु ने कहा, राखी रीना हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन, हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं, बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसा कर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन रीना को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ। तू पागल है क्या रीना, कुछ करने में सालों लग जाएंगे, शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रितु और राखी अपने लिए लड़के ढूंढने लगे और रीना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई। रितु और राखी ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए वो दोनों दो अमीर लड़कों से मिले, सुहास और आकाश। दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। रितु और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद रितु और राखी के होश उड़ गए। अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे फर्नीचर है, मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। दीदी यहाँ नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पर। अब पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी, आपका आइडिया मस्त था दीदी। हाँ मुझे पता है, वो रीना पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो उसे, पूरी जिंदगी भर वो गरीब ही रहेगी। वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाने में चिकन मटन पनीर सब कुछ था। रितु और राखी ने पेट भर कर खाना खाया। उधर गरीब झोपड़ी में रीना चावल में पानी मिलाकर खा रही थी। घर में वो बिल्कुल अकेली थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ, पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, वो दोनों बस खुश रहे। खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन वो कॉलेज गई। प्रिंसिपल ने उससे कहा, रीना तुमने दो महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे। माफ कर दीजिए सर, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा, फीस भरो नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल ने रीना को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया। रीना को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी, क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। रीना काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। अगले दिन सुबह रीना जब घर का काम कर रही थी, तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रितु और राखी बाहर आई। अरे दीदी आओ आओ, मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था, हमें देखना था कि तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तूने हमारी बात नहीं मानी, हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है, पति के पैसों से ऐश नहीं करनी है। तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी, वैसे कॉलेज नहीं गई आज। वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसीलिए कॉलेज से मुझे निकाल दिया। यही होना था, अब कर ले तुझे जो करना है, हम तो पति के पैसों पर ही ऐश करेंगे। वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। रीना को अपना पेट पालना था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। रीना के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा खरीदा और बाजार में राजमा चावल बेचने लगी। राजमा चावल खा लो, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। दो महीने बीत गए। रीना राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालने लगी और घर लौटकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैठ गई, तभी बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अरे आसपास के घरों में तो बिजली है, यहाँ बिजली क्यों चली गई? तभी रीना को याद आया कि दो महीने से बिजली का बिल भी नहीं भर पाई है वो। लेकिन रीना को पढ़ाई करनी थी, घर में एक मोमबत्ती तक नहीं थी। अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत सोचने के बाद रीना को दुर्गा माँ की याद आई। गांव में दुर्गा माँ का एक मंदिर था। मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलता रहता था। रीना किताबें लेकर मंदिर चली गई। दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बल्ब की रोशनी में वो पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते रीना वहीं सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा मंदिर का पुजारी वहाँ बैठकर पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूँ बेटी, तुम सो रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम यहाँ किताबें लेकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रीना ने उनसे सब कुछ कहा। पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से कहा, ठीक है बेटी,
अब से तुम मंदिर में ही रहकर पढ़ सकती हो। यहाँ मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम बस पढ़ाई करो और दुर्गा माँ को मन ही मन बुलाओ। दुर्गा माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। रीना घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगी। उसने राजमा चावल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें ऐशो आराम से जिंदगी बिता रही थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन ऋतु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आकाश ने सुहास से कहा, भैया ऋतु और राखी के चोचले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ वही तो देख रहा हूँ, कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं, हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तूने ठीक कहा आकाश, अब ऋतु से मन उठ गया मेरा, मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है। ऋतु और राखी को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसी दिन रीना का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूंगी। रीना इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री नहीं है, तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया, तुम्हें हम ये नौकरी क्यों दे भाई? सर मैं गरीबी की वजह से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए। कंपनी के मालिक ने प्रश्न पूछा और रीना ने सभी का सही उत्तर दिया। उसे नौकरी मिल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पा ली। उधर सुहास और आकाश ने दो नई लड़कियों से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। ऋतु और राखी चौंक गए। सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। ऋतु और राखी रातों रात फिर से गरीब हो गए। वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लौट आए और देखा रीना पुराना घर तोड़कर नया घर बना रही है। अरे दीदी आप दोनों, क्या बात है, तुझे नौकरी मिल गई बहन? हाँ तू सही कहती थी बहन, खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए, हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे, आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। तीनों एक साथ रहने लगे। ऋतु और राखी पढ़ाई करने लगी और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई। तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की और इस तरह तीनों बहनें अमीर हो गईं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।